हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फास्ट फूड मैनेजर। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने अपना बर्गर रेस्टोरेंट खोल लिया था भाई, जहां पे हम बर्गर्स बेचते हैं सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट। तो भाई, मैकडॉनल्ड्स और ये बर्गर किंग वाले पूरे तरीके से डर चुके हैं, हिल चुके हैं, उनका बिजनेस खत्म ना हो, इसलिए हमने सोचा कि चलो पिज्जा वाली लाइन में चलते हैं एंड अपन अब पिज्जा का रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। तो चलो हम लोग चल के खरीद लेते हैं अपना नया रेस्टोरेंट। आई मीन, कहीं जाने की जरूरत है नहीं भाई, अपने को प्रॉपर्टी में जाना है, $2,000 का अपना नया पिज्जा रेस्टोरेंट खरीद लेना है। तो चलो, पिज्जेरिया हम लोग खरीदने वाले हैं, $2,000 गए पानी में। बट अब ये रेस्टोरेंट है किधर भाई, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है किधर है। आई थिंक उसके आसपास ही होगा, जो अपना बर्गर वाला रेस्टोरेंट था उसी के आसपास कहीं होगा। ओ भाई साहब, ये देखो ये किधर है, एकदम आखिरी में। इधर तो कोई आएगा ही नहीं भाई खाने को। हेलो, हैं, लगता है कोई आएगा। वाओ भाई, यहाँ पे पैसा, ये अपना काउंटर है, ये अपना किचन है भाई। किचन कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है, इतने बड़े किचन का क्या करेंगे हम। और ये भट्टी देखो, वाओ, सही है भाई, सही है। चलो हम देख लेते हैं क्या क्या करना है हमें। तो अपने तीसरे शॉप के लिए एक वर्कर को हायर करना है, फ्रोजन पिज्जा खरीदना है और सारे के सारे इक्विपमेंट्स खरीद के यहाँ रख देने हैं भाई। तो मतलब ये अपना फुल एंड फाइनल रेस्टोरेंट है भाई, जहाँ पे हमारे सारी की सारी चीजें रहेंगी भाई। तो अपने को मतलब अपन ऐसा है कि बाकी सारे अपन बेच भी सकते हैं, इतना सिंपल है। एक्चुअली मैं पहले कस्टमाइज कर लेता हूँ भाई, देखते हैं, इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। एलिमेंट, व्हाट इज, कौन सा एलिमेंट है ये? ये रेडी है गाइस हमारा रेस्टोरेंट एंड रात भी हो चुकी है, वेरी नाइस। बट आई थिंक अंदर से काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। तो फिलहाल तो हम जाके सो जाएंगे भाई, क्योंकि इतने रात में हम काम नहीं करते हैं, बट सुबह आके सारी चीजें यहाँ पे लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल स्टोर से भाई ये फ्रोजन पिज्जा ले लेते हैं। आई मीन, फ्रोजन पिज्जा अपन बेच ही क्यों रहे हैं भाई, फ्रेश पिज्जा बनाओ ना। मेरे को समझ ही नहीं आया लॉजिक कि फ्रेश पिज्जा बनाओ तब तो भाई चलेगा, नहीं तो गॉर्डन रेम्सी आके ना रेस्टोरेंट बंद करा देगा। एक्चुअली में अपन ने अपना मैकडॉनल्ड्स के लिए, जो कि अपना बर्गर वाला रेस्टोरेंट है, वहां पे किसी को हायर नहीं किया यार। तो रुको, मैं वहां के लिए किसी को हायर कर लेता हूँ फटाक से। चलो, मैडम को हायर किया है अपन ने, ओके लेट्स गो। तो यहाँ से अभी सामान तो मैं ले जाऊंगा भाई, फ्रॉस्टेड पिज्जा अपने सबसे मेन चीज है। और वहां पे लेते हैं अपन सबसे महंगा चेयर भाई, 5 चेयर, ओके। एंड ये लगाते हैं एक $95, $1,000 बचाएगा सिर्फ हमारे पास। और वहाँ के लिए हमें ये सारी चीज़ें लेनी है भाई। तो 150 का ये, 200 का ये, 180 का ये, 250 का ये, ओके अब तो जगह ही नहीं है, तो ये कुछ नहीं ले सकते हम। चलो, यहाँ पे हमने एक मैडम को हायर कर लिया है, अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन कर देते हैं भाई, लेट्स गो। और यहाँ पे मैडम को मैं चीज़ें दे दूँ ना, ये लो मैडम आपका सॉस, थैंक यू। और यहाँ पे चीज़ें एक्चुअली में पड़ी है, अरे वाह, ये तो सब खराब हो गया है, तो फ्रिज में रखना था मेरे को। अरे रे रे रे, कितना कचरा है। ये लो मैडम, एक है, थैंक यू। ये लो, तेल तो रख ही लोगे ना आप, ये लो सारा तेल ले लो आप, हमें नहीं चाहिए। सॉस भी बढ़िया है, एकदम नए ही है सॉस। अरे चीज़ भी खराब हो गया होगा, नहीं हुआ वाह तेल कुछ भी। अच्छा देखो, बन खराब हो गया, चीज़ नहीं खराब हुआ भाई, बाहर पड़ा था वो। ये लो मैडम, अच्छा ये नहीं चाहिए, ओके कोई बात नहीं, जितना हुआ अपन ने दे दिया भाई। अब यहाँ पे कोई आके खा पी लेगा तो उसकी किस्मत, बट अभी और कुछ हम दे नहीं सकते यहाँ पे, पिज्ज़ा बेचना पड़ेगा अपने को। बट वो देखो, हमारा पिज्ज़ा रेस्टोरेंट अलग से चमक रहा है, यहाँ पे अपना कस्टम लोगों को डाल पाते तो बढ़िया रहता, मस्त डोमिनोज प्लस पिज्ज़ा हट दोनों का लोगो डाल देते, बिजनेस ही नहीं चलता उनका। तो यहाँ पे मैं पिज्ज़ा लेता हूँ और उनको यहाँ पे जमा देता हूँ भाई, ओके 5 ही रखते हैं अपन। और मैं एक टेबल लगा देता हूँ बढ़िया सा, बीचों बीच अपन टेबल लगाएंगे, ये लोग लगना चाहिए ना, महाराजा लोग बैठे हैं भाई हैं। और यहाँ पे अपने 5 टेबल लिए हैं, एक इधर, दूसरा इधर, एक स्पेशल चेयर इधर जिसको पैर रखने में नहीं बनेगा भाई, ओके 5 चेयर लग चुकी है भाई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ऐसे वो लोग सामान मांग रहे हैं मेरे से। ये लो, मैं टोस्टर यहाँ रख देता हूँ, अपना कॉफ़ी मशीन कहीं और रख सकते हैं, आई मीन इधर कोने में रखते हैं भाई, सारी चीज़ें अलग अलग करके रखनी पड़ेगी मेरे को, थोड़ा अच्छा लगेगा तब। इधर अपन कबाब रखते हैं, इधर ये ग्रिल, ये कहेगा ग्रिल है, अच्छा ये अलग ग्रिल है, तो ये सेम चीज़ें हैं सारी, फिर भी बीच में जगह रखते हैं थोड़ी, तो ताकि अपन चीज़ें
लगा पाए हर जगह, जैसे वेजिटेबल रखने होंगे तो वो सब के लिए जगह रखनी है। तो अभी अपन काम करते हैं, ओपन करते हैं अपना रेस्टोरेंट। ये रहा, अच्छा इधर से ओपन होता है, क्या बच गया अब? ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट कहाँ से लाऊंगा मैं? और आई थिंक जो बची हुई इक्विपमेंट है वो मेरे को लानी पड़ेगी कैसे भी, तो एक्चुअली मैं इनको, मेरे को थोड़ा सामान देना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने काफ़ी दे चुका है, बट देख रहे हो लाइन लगी हुई है इनकी, तो दिक्कत है थोड़ी है। कोई नहीं, अपन मैकडोनल्ड्स में चीज़ें दे के आते हैं, बर्गर बंस, कैबेज, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। हेलो मैडम, इंतज़ार ख़त्म, ये लो सारी चीज़ें, ये लो पत्ता गोभी, ये लो खीरे, ये लो फ्रेंच फ्राइज कप्स, भाई कितने ले लिए अपन ने, और ये आपके बियर। ओके, तो मैं बियर का एक्चुअली मैं ना वो कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ। बियर अपन बेच रहे थे क्या? लेगर बियर कौन सा? आई डोंट नो, मैं सब स्टॉक में डाल देता हूँ भाई, सारी चीज़ें स्टॉक में डाल देते हैं अपन, कुछ तो दे ही पाएंगे, जो होगा दे पाएंगे। सब थोड़ा नॉर्मल प्राइस पे बेचते हैं भाई, क्योंकि आई डोंट थिंक सो बिकेगा इतना जल्दी कुछ भी। ओह बर्गर बंस तो देना ही भूल गया, ये लो बर्गर बंस, थैंक यू। और ये आपका अगर ग्रिल चाहिए तो ग्रिल भी मैं एक दे देता हूँ भाई, आपके आई डोंट नो काम आ जाए कहीं से। कमाओ मैडम, कमाओ ऐसा कमाओ, ये लो ये खा लो। मैं ये दबाब कबाब में भी चीज़ें दे के आता हूँ भाई, क्योंकि अभी अपन $205 से तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे, तो मेरे को इन्हीं सब में पैसा देना पड़ेगा, ताकि धीरे धीरे पैसा आते जाए अपने पास। और बाय द वे गाइस, हमने अपने दोनों जो स्टॉल थे, एक कबाब वाला और एक अपना व्हाट इज दिस हॉटडॉग वाला, वहाँ पे अपन ने एक बढ़िया बढ़िया टेबल लगा दिया है ऑलरेडी। आई मीन ये मैंने पहले ही कर लिया था, तो यहाँ पे 5 सीटें हैं और महंगा वाला टेबल है, तो लोग आई थिंक रेटिंग देख के ज़्यादा आएंगे भाई, होपफुली आने से चाहिए, आ जाएँ तो बढ़िया है। तो ये लो भैया आपके बियर, सारे बियर आप ही को चाहिए थे ना, ये लो सारे बियर ले लो भाई, हमारे पास बहुत कार्टून है, हैं कार्टन बोलते हैं, कार्टून नहीं बोलते। ओके आपका सही चल रहा है ना सब कुछ, वेरी गुड, पैसा कमाओ। कॉफ़ी मशीन और क्रोसांट मैं आपको ला के दे दूंगा, टेंशन ना लो। डोनट्स वो मांग रहा है, अपना प्रॉफिट देखो भाई, 131 इधर से, 108 इधर से, 54 और $12 क्यों? मैकडोनल्ड्स में अपन कमा क्यों नहीं पा रहे हैं पैसा? कुछ महंगा है क्या? बर्गर तो सबसे सस्ता दे रहे हैं। आई थिंक सामान नहीं है कुछ, अब वो बताएंगे तो समझ आएगा। ओ पैटी नहीं है ना, पैटी है ही नहीं तो बेचेंगे क्या? तो मैं एक मिनट बर्गर्स का सामान ले लेता हूँ भाई, अपन ये रॉ कटलेट 3 ले लेते हैं, आई मीन उससे ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं। और सॉस लगता है उधर, ठीक है, तो 3 सॉस की बॉटल। पत्ता गोभी 2 और ले लेते हैं, और खीरे, आई थिंक यही चीज़ें थी और चीज़ भी है, चीज़ तो मैंने दिया हुआ है, लेकिन चलो आई थिंक इतनी चीज़ें काफ़ी होगी। वैसे डोनट मांग रहा है तो ले ही जाते हैं भाई, डोनट भी दे ही देते हैं। ये लो मैडम, हम कुछ और चीज़ें लाए हैं आपके लिए जो आपके काम आएगी और हमारे भी काम आएगी एक्चुअली में, तो ये लो और ये लो, हो गया। और ये पत्ता गोभी ले लो आप, और ये क्रोसांट आपने मांगा था? नहीं आपने नहीं मांगा था, ओके। आपने खीरे ले लो और एक आध क्रोसांट भी ले लो, ओके। अरे नहीं देना भाई इतना, और पास हो गया। चलो धीरे धीरे आई थिंक अपन ये जैसे जैसे पैसा होता जाएगा मैं हर जगह स्टॉक फिल कर दूंगा भाई, ताकि अपन जल्द से जल्द अपना $1,000-2,000 कर पाएं और यहाँ पे चीज़ें खरीद पाएं। तो अभी तो जाके सो जाते हैं भाई, सुबह ही अपने सारे पैसे ऐड होंगे। चलो गाइस, करीब 3,000 हो चुके हैं एंड $200-300 करके अपने पास $1,300 हो चुके हैं भाई। तो अपन ने यहाँ पे शुरू की 4 चीज़ ले ली थी, अब ये आखिरी की 4 चीज़, और ये भी लेना है भाई, तो पता नहीं ले पाएंगे कि नहीं अपन, बट होपफुली काम हो जाए। लगता है गैस गड़बड़ होगा, और मे बी अपन ले पाएंगे 150 और 400। ओके तो 1-2 दिन और लग जाएगा, लेकिन आई थिंक मैं पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, अगर मेरे को रेस्टोरेंट चालू करने देते ना तो मैं उधर से ही कमा लेता यार, लेकिन चालू ही नहीं करने दे रहे हैं अपने को अपना पिज़्ज़ेरिया। और भाई इनको तो जितनी भी चीज़ें दे दो इनको तो कम ही पड़ती है, मांगती जाते हैं। अभी कितना प्रॉफिट हो गया? 79, 54, 24, वेरी गुड। ओके तो पेन रखते हैं अपना ये सब्जी वाला ट्रे, ऑल राइट, ये अपना बर्नर, आई डोंट नो जो भी है ये, और ये अपना फ्रेंच फ्राइज, इसको भी साथ ही में रखते हैं अपन। ये अपना फ्रेंच फ्राइज का ट्रे इसके अंदर डाल दो, और ये फ्रेंच फ्राइज का स्टोरेज, ठीक है वो पड़ा ही रहेगा जब तक। और ये CO2 पता नहीं क्यों खरीद के लाए अपन। अब भी बचा है क्या? कितना कुछ बचा है? अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं और गाइज, टेंशन ना लो, कर लेंगे अपन।
ये अपन लें और इधर पिज्जा में डाल दें, इधर तो बन रहा है ये, आई थिंक टाइम लगेगा। 8 पीसेस, हेलो, ओ अच्छा स्लाइस होने के बाद ना 8 पीसेस तो हो ही जाएंगे, सही तो है। चलो जब तक अपन इस शॉप का कुछ नाम दे देते हैं, नाम क्या रखना है, पिट जा, पिट जा गाइस, पिट जा खाएंगे अपन आज। कुकड हो चुका है वैसे, वाओ ओके। इसमें एक एक स्लाइस भी दे सकते हैं लोगों को, हम खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, अपनी भूख भी तो मिटाओ। Two days later. तो गाइस फाइनली $1,000 हो चुके हैं हमारे पास, एंड बस दो चीजें बची हैं खरीदने को, वो है हमारा ड्राफ्ट बियर स्टैंड एंड द नेक्स्ट वन इज लार्ज रेफ्रिजरेटर। ओके प्लेस करना है तब जाके आई थिंक हो जाएगा, अब नहीं हुआ ना तो हम जमीन बेच के किसी और के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करेंगे। नहीं करना है हमें काम, हटाओ हमें, हटा दो। तो ये फ्रिज मैं रख देता हूँ यहाँ पे, और ये रहा हमारा बियर, बियर स्टैंड, लेट्स गो। यस टास्क कंप्लीटेड, वेरी नाइस। चलो फाइनली अब हम ओपन करने जा रहे हैं भाई अपना पिजेरिया, पिजेरिया ओपन करते हैं हम लोग। एंड आई थिंक यहाँ पे पिज्जा अपन पहले से बनने के लिए डाल सकते हैं भाई, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, 3 ही डाल सकते हैं क्या एक बार में, मैं रख तो सकते हैं बट ठीक है। चलो भाई पिजेरिया ओपन करते हैं, होपफुली लोग आना चालू हो जाए। टास्क कंप्लीटेड, अब हमारा टास्क बहुत सिंपल है, नंबर वन बिजनेसमैन बनना है इस सिटी का। तो नंबर वन बनने के लिए अभी किस किस को बीट करना है अपने को, अपन ऑलरेडी नंबर वन है भाई, हैं अपन से ऊपर तो किसी का ग्राफ है ही नहीं, ये क्या चक्कर है। ओह पहला ऑर्डर 1 slice pizza का, ओके ये तो बहुत कम है, ये लो भाई, ये पिज्जा वाला तो सबसे ईजी है मेरे ख्याल से। एक मिनट, मेरे को तो कुछ करना भी नहीं है यार, एक मिनट। हाँ अगर मैं ये पूरा का पूरा यहाँ ले जाकर रख देता हूँ तब जो आता रहेगा मैं उसको यहीं से देता रहूंगा। ये क्या है भाई, ये तो काफी सिंपल है। आ जाओ भाई, आते जाओ आते जाओ, वेट नहीं करो भाई, वेट नहीं करो, यहाँ पे बिजनेस बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। और अपन इस रेस्टोरेंट के लिए किसी को हायर नहीं कर सकते भाई, तो मैं सारी चीजें तो नहीं कर पाऊंगा एक साथ, इधर तो बहुत लोग आ जाएंगे तब तो है। वो देखो पिज्जा का ऑर्डर आया, ये लो सर पिज्जा, इजी, आपको चाहिए पिज्जा। ये क्या है भाई, ये देखो ये रहा पिज्जा का पैसा, पिज्जा का पैसा, वाओ। ओह ये अंकल हमसे आगे निकल गए, इससे कैसे, ये लो सर आपका पिज्जा। अच्छा आप वहां खड़े हो, वहां क्यों खड़े हो भाई। एक्चुअली में मैंने अब नोटिस किया है यहाँ पे एक नाइट क्लब भी है भाई अपने जस्ट बगल में, अपन वहाँ घूम के आ सकते हैं, देखते हैं वहाँ कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए अपने को, तो फायदा ही फायदा रहेगा अपना। अभी के लिए तो बंद करते हैं अपन और चलते हैं भाई, बगल में ही अपने इधर सी एंट्री है। यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, इतना अंधेरा क्यों है, मैं कहाँ से जाऊँ, हेलो जाने दो हमें अंदर, इधर से जाते हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, कैसे जाते हैं अंदर, हेलो व्हाट इज दिस बिहेवियर, आगे पीछे से रास्ता है नहीं, आगे से जा नहीं पा रहे हैं। ओके अपन अंदर कहीं से भी नहीं जा सकते भाई, ये सब कोरी बकवास है, वहाँ पे बस खड़े रहो और क्या, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन क्या नाटक है भाई, मतलब हद है, अंदर ही जाने दो हमें। क्या अपन ये पिज्जा इसके अंदर डाल सकते हैं, ओह बिल्कुल डाल सकते हैं, और इसके अंदर काफ़ी सामान है बट ठीक है, इतना भी खास नहीं है कुछ। चलो इतने सारे पिज्ज़ा हो गए अपने पास, लोग खाते खाते ही थक जाएंगे भाई हैं, और पैसा तो अपने पास आते जाएगा, प्रॉफिट देख रहे हो, ओहो आसमान की ऊंचाइयों में। देखा जाए तो भाई अपन टॉप पे हैं, तो अगर दिन ख़त्म होने तक अपन टॉप पे ही रहते हैं तो अपन जीत जाएंगे मेरे ख्याल से, नहीं आई थिंक होना तो ऐसे ही चाहिए। देखो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर चुकी हैं भाई, तो अपने को करने की ज़रूरत है नहीं, मेरे को तो बस ला के रखने के लिए बोला था तो मैंने रख दिया। प्लस यहाँ पे पिज़्ज़ा अपने बनी रहे, डर्टी रहो, ओके ये नहीं पता था डर्टी हो चुका है, डर्टी पिज़्ज़ा जाओ डर्टी बिन में। तो अभी इसलिए अपन खाली पिज़्ज़ा बेच रहे हैं भाई, खाली पिज़्ज़ा बेचते रहेंगे, जितना पैसा हो जितना मिले अपने को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपने रेस्टोरेंट से तो आ ही रहा है। इधर अगर किसी को लगा पाते तो बढ़िया रहता भाई, बट वो ऑप्शन दिया नहीं है मेरे ख्याल से इन्हें। ये लो सर, ओहो ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतने ज़्यादा ऑर्डर आएंगे मेरे ख्याल से। मैं कुर्सियाँ खरीद के ले आऊँ तो 5-10 कुर्सी ले आता हूँ भाई। चलो यहाँ से अपन, ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगी हो जाएगी भाई, ये खरीद सकते हैं अपन 6 कुर्सी ये,
और एक ये ओके अब ठीक है आई थिंक अब ठीक है। ये लो मैडम और ये लॉन्ग किल। अरे अरे भाई साहब दाढ़ी और बाल ये क्या है ये क्या लग रहा है ये। चलो ये हमारा दूसरा टेबल, ये लॉन्ग किल आपका पिट्जा, बढ़िया सा पिट्जा। अरे मैडम को दे दिया, वाओ मैडम दूसरों का पिज्जा चोरी करती हो, गलत बात हैं। आप यहाँ बैठ के खा लो, दूसरा आदमी इधर बैठ जाएगा, उसी के बगल में 5 लोग और बैठा देंगे अपन। चलो टोटल करीब 8-10 लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे आराम से। वो अंकल वहाँ क्या कर रहे हैं भाई? ये लो अंकल, ये लो, टेंशन नहीं लो भाई, होता है सब कुछ ठीक है यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने का इतना। मेरे को टेंशन हो रही है कि अपन जीतेंगे कि नहीं। आई थिंक अपन जीत जाएंगे इस बार, पैसे पैसा हो रहा है अपने पास। 300, 200, 200, 100, ओके ठीक है। मेरे को समझ नहीं आ रहा अपने बर्गर वगैरह, अच्छा सामान नहीं है ना वहाँ पे, इसलिए अपने को पैसा नहीं मिल रहा होता। ये देखो, ओहो डॉलर ही डॉलर अपन बढ़ा सकते हैं भाई प्राइस। रुको इधर से अच्छा खासा प्राइस दे देते हैं। ये लो, कितना जा सकते हैं अपन मैक्स? ये कितना भी जा सकते हैं, ये तो बेवकूफ़ी है। खैर हरा वाला हाँ दिया है उनने, 2.5 थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपन, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। हेलो कोई खाएगा पिज़्ज़ा? कि हमारा पिज़्ज़ा बर्बाद हो गया मैडम, खा लो। नहीं खाना, फेंक दिया भाई, हम ही खा लेते हैं। ओ आ गए अंकल, आ गए अंकल, खाएंगे ना, थैंक यू अंकल $2.5 देने के लिए। जो पिज़्ज़ा अभी $2 का था भाई, आप 2.5 में खा रहे हो, दिस इज बिजनेस। चलो आई थिंक गाइस अपने को जाके अब सो जाना चाहिए, अब कोई नहीं आएगा, बहुत रात हो चुकी है। ये देखो गाइस झरना और ये साइबर आई, इसमें जा सकते हैं क्या अपन? कहीं नहीं जा सकते भाई, किसी बिल्डिंग में नहीं जा सकते अपनी छोड़ के। सही है, आई मीन इतना सही नहीं है बट सही है। ये क्या है, सबवे? हेलो, नहीं इधर भी नहीं जा सकते क्या है भाई, कहीं तो जाने दो, कहीं तो हमें चिल करने दो, दिन भर काम ही करते रहे क्या, 8-10 रेस्टोरेंट संभालते रहो। चलो सीधा अपने घर पे चलते हैं, सोते हैं एंड देखते हैं कितना पैसा ऐड होता है अपने पास। लेट स्लीप। $900, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन अपन स्टिल अभी भी टॉप पे नहीं बन पाए हैं, क्यों? मैं तो टॉप पे ही हूँ भाई, ये देखो, नहीं टॉप पे ही हूँ भाई मैं। कितने टाइम तक टॉप पे रहना पड़ता है? रेटिंग क्या फुल चाहिएगा रेटिंग? आई थिंक सब में फुल रेटिंग चाहिए तब जाके होगा। ओ दैट इज वाई, आई थिंक दैट इज वाई। बट गाइज हमें हर जगह सारी चीजें लगाने के लिए, यानी कि हर जगह 5-star रेटिंग पाने के लिए बहुत पैसा कमाना पड़ेगा भाई। एटलीस्ट अभी 5-10 हज़ार चाहिए होंगे भाई, ताकि अपन हर जगह बेस्ट कुर्सी, बेस्ट सामान, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे डाल पाए भाई। तो इसलिए इसी के साथ हम आज का एपिसोड भी यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मजा आया हो तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब जरूर करना गाइस चैनल को। एंड नेक्स्ट एपिसोड होगा हमारा आखिरी एपिसोड फास्ट फूड मैनेजर का, बट तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू very soon.